अंकल आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और आप मेरे फेस वैल्यू पे पैसा लगाइए। कुछ होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा, मैं आपके पैसे वापस कराऊंगा। सर आप प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करिए, आप मेरे ऊपर देख के, मुझको देख के पैसे लगाइए। आप कंपनी को मत याद रखिए, कंपनी को मत देखिए, आप मेरे फेस वैल्यू पे मेरे ऊपर पैसे लगाइए। कुछ अगर होता है, कंपनी भागती है, तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा। और भी इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को कमेंट सुनने को मिलते होंगे, और कुछ कमेंट आप लोगों के ऊपर भी हुए होंगे कि ऐसे ही कोई आया, उसने आपको घेरा और आपने आखिर में परेशान होके उसको, जो आपने महीने के 4-6 हज़ार जोड़ के कुछ सालों में 1-2 लाख रुपए इकट्ठा किया, उसको दे दिया कि ये इतने साल में दुगना करेगा, 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में। उसके बाद हुआ क्या, कंपनी भाग गई। जब आपने उससे कहा तो उसने क्या कहा कि क्या करें, कंपनी भाग गई, बहुत परेशान है, मैं देखिए दे दूंगा आपका पैसा, फिलहाल मिला कुछ नहीं। आज दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे वीडियो में कुछ दिन से बना रहा हूँ। आज ये टॉपिक क्योंकि बीच बीच में ऐसा सुनने को मिल जा रहा है, फिर मुझको एक सुनने को मिला ये केस ऐसे ही कि बहुत भरोसेमंद लड़का, उसने ये कहा और आखिर में वो बैठा हुआ है और कंपनी पैसे लेके भाग। दोस्तों इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा डिटेल में, कैसे आपको क्या देखना होता है, किस तरह की कंपनीज हैं आपको पैसे लगाने हैं। उसके मैं शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं इन सब टॉपिक पे, प्लस और भी होम्योपैथी है, ऑटोमोबाइल है और गैजेट्स वगैरह, इन सब पे जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो सब आप पहले देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह के बहुत से हमारे आप बीच में हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, एडवाइज़र, एडवाइज़र क्या होता है। देखिए जो भी LIC, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये जो भी एडवाइज़र होते हैं ये क्वालिफाइड होते हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं, पूरी ट्रेनिंग करते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इनको लाइसेंस मिलता है और ये फिर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम वही क्वालिफाई कर सकता है जो कि एजुकेटेड हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास नॉलेज हो, वही पास कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी MFA या IRDA ये सब एग्ज़ाम अगर, प्लस जैसे ये आपको FD ये सब वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो बैंक एम्प्लॉय के थ्रू ही आप ले सकते हैं। उसके अलावा एडवाइज़र क्या है वो सब इतना डीपली नहीं है, लेकिन ये कि बैंक एम्प्लॉय आपको बैंक का प्रोडक्ट दे सकता है, प्लस बैंक के कोड पे आपको म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस बेच सकता है, वो अपने पर्सनल कोड पे नहीं बेच सकता। लेकिन एक लाइफ इंश्योरेंस जिसने एडवाइज़र होने का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर सकता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको बार बार आके परेशान कर रहा है, जो आपसे ये कह रहा है कि आप पैसे लगाइए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, इतने दिन में बढ़ जाएगा, और आपको आप क्योंकि वो आपको जानता है आपकी क्या ज़रूरत है, आप कितना कमाते हैं, आप कितना खर्च करते हैं, कितना आपके पास बचता है, उसको पता है कि आपके पास 1-2 लाख रुपए होगा। वो उसी के लिए समझिए जैसे एक होता था कि चंबल में डाकू हुआ करते थे जिनको सब पहचानते थे, ये आज के दौर में हमारे आपके बीच में एक वाइट कॉलर या हमारे फैमिलियर ही डकैत हो गए हैं, जो कि जानते हैं इस बात को कंपनी भाग जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने 20% 25% कमीशन के लिए आएंगे और आपके पैसे वो लेके जाएंगे, और बाद में जब आप जाएंगे तो रोते हुए बैठ जाएंगे कि कंपनी भाग गई। उनको ये चीज़ पहले से पता होता है कि ऐसी कंपनियां भाग जाएंगी, इस तरह की वो 10 कंपनियों में एडवाइज़र बन चुका होगा, 10 कंपनी भाग गई होगा, वो 11वीं में आया है और आपको आज लूटेगा तो 3 साल 4 साल बाद फिर कुछ नया बताएगा, आप फिर फंसेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो भी लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं आप ये ध्यान दीजिएगा कि उनके पास IRDA का या SEBI का, सॉरी MFA का या किसी बैंकिंग का उनके पास लाइसेंस है, वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं। अगर लाइसेंस है तो नो डाउट उसने पूरी पढ़ाई की होगी, उसने पूरी ट्रेनिंग की होगी, उसके बाद ही वो इतना एलिजिबल होगा कि आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझा सकेगा और सही प्रोडक्ट आपको सेल करेगा। अगर आप आपसदारी में, भाई भतीजेवाद में और मोहल्लेदारी में अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत, आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, तो उसके लिए आपको खुद थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। जो आप पास एडवाइज़र आता है आपसे ये कहता है कि आप मेरी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, आप सबसे पहले उसका लाइसेंस देखिए, उसका आई कार्ड देखिए, आप ये देखिए कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं, उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है कि नहीं, क्योंकि जो LIC या इन सब कंपनीज़ का उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों? कि वो LIC में आपका पैसा लेके जाएगा, भले वो प्लान कुछ दे सकता है ऐसा वैसा जिसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा कमीशन हो, लेकिन वो आपका पैसा कहीं गायब नहीं होगा, कोई कंपनी भागेगी नहीं, ये गारंटी है इन सब कंपनी ने। और जो ये
ये सब कैसे एडवाइजर बनते हैं, एक तो ये कम पढ़े लिखे होते हैं, इनको बहुत आसानी से लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं, उनको पता होता है कि इस तरह की कंपनियों में दो चार भी घपले में शामिल रह चुका है, तो ऐसे लोगों को फौरन पकड़ा जाता है। जैसे ही ये नई कंपनियां लॉन्च होती हैं, फौरन ऐसे लोगों को ढूंढने निकल जाती है, कहाँ कहाँ भी है उसका बहुत आसान ही पूरे नेटवर्क होता है, ये सबसे पहले ऊपर के तीन चार की प्लेयर जो होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और उनको समझा देते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया वो अपने नीचे टीम बना देते हैं कि अब जाइए अब आप लोग ये प्लान बेचिए। तो ये होता है, इस तरह से ये पूरा फैलता चला जाता है, ये पूरी टीम ऊपर से नीचे तक ये सब की सब जाहिल होती है, ध्यान रखिएगा। इनमें शायद ही कोई ग्रेजुएट होता हो, कोई हाई स्कूल फेल होगा, कोई इंटर फेल होगा, इनको खुद भी नहीं पता होता, ये तो कंपनी भागते भागते ही सीख जाते हैं इस तरह कंपनी भाग जाएगी, लेकिन इनको ये खुद भी नहीं पता होता है कि कंपनी रहेगी या भागेगी, और कुछ टाइम के बाद ही जान जाते हैं कि इस टाइप कंपनी जो है भाग जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो भाई जो भी ये LIC या MFI म्यूचुअल फंड सब कंपनीज हैं, मिनिमम इंटरमीडिएट शायद ग्रेजुएट मांगने लगी हैं। जब ग्रेजुएट होगा तो कुछ तो कॉलेज गया होगा, उसने कुछ तो पढ़ाई की होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें तो जानता होगा, उसी से आप ये एक अंदाज लगा लीजिए कि अगर वो उसने फिर उसके बाद पूरा उसने इंश्योरेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो फिर उसकी एजुकेशन लेवल, एजुकेशन जो उसने पढ़ा होगा वो मतलब इतना तो उसको बना दिया जाता है कि वो चीज़ें जानने लगता है कौन सा प्लान देना है, लोगों को क्या फ़ायदा देना है। अब कोई चाइल्ड प्लान के लिए आया उसको हम जो FD समझा रहे हैं, कोई जो है पेंशन प्लान के लिए आया है तो उसको जो है हम कुछ और समझा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कौन सा है जिसकी किसकी क्या ज़रूरत है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हमें ये देख के देना होता है कि चाइल्ड प्लान के लिए अगर इंटरेस्टेड हो रहा है वो चाइल्ड के लिए चाहिए उसको चाइल्ड प्लान देना है, क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों चाइल्ड प्लान जिसने भी डिज़ाइन किया है एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है, हर कंपनी के पास वो प्लान है, आप खुद सोचेंगे तो एक बार आपकी आंखों में आंसू हो जाएगा कि चाइल्ड प्लान किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन केस अगर पेरेंट्स को फादर को कुछ हो जाता है तो फिर आगे का जो भी उसका बच्चे का खर्च होगा जो पेरेंट ने प्लान लिया है वो सारा कंपनी प्रोवाइड करती है, पूरा बेयर करती है। ये सब बहुत अच्छे प्लान है दोस्तों। पेंशन प्लान मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में, उसके बाद म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया कि आप छोटी छोटी सेविंग करते जाइए वो आपको एक अच्छा लमसम अमाउंट मिलेगा। आपको इन्हीं सब कंपनियों में घूम के रहना है, आपको इस टाइप की कंपनियों में नहीं जाना जिसका एजेंट भी जाहिल हो, वो आपको कुछ डिटेल भी ना बता पाए ना कंपनी के बारे में बता पाए, बस यही बता देगा कि 3 साल में दुगना होगा, आप मेरे फेस वैल्यू पर पैसा लगाइए। दोस्तों ऐसी किसी कंपनी में पैसे मत लगाइएगा, आज नहीं तो साल 2 साल 4 साल के बाद वो कंपनी भाग जाएगी, मैंने पूरी डिटेल इस पर बनाया है। अगर अभी आई है 2-3 साल टिकेगा, अगर 2-3 साल हो चुका है तो 1.5-1.5 साल में भागने वाली है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मेरा पर्पस यही है कि आपको अवेयर करना। आपके पैसे रोज़ सुनने में आता है इस कंपनी ने इतने जगह ऑफिस बनाया, इतने 100 करोड़ रुपए लेके गायब हो गई, इतने 100। दोस्तों ये सब सुन के अफसोस भी होता है क्योंकि देख रहा हूँ किस तरह से लोग मर मर के, किस तरह मेहनत से लोग पैसे कमा रहे हैं और किस तरह से ये वाइट कॉलर डकैत जो है पैसे आपके हमारे लूट के ले जा रहे हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप रेगुलर देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मेरा मेन पर्पज़ एक ये भी था कि मैं जो कुछ जानता हूँ आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे किसी भी एजेंट के दबाव में नहीं आना है कि उसने 4 बार आपके घर में आके आपको पकड़ा के अरे कर दीजिए अंकल बहुत अच्छा है, सर भैया कर दीजिए बहुत अच्छा है, 4 साल में दुगना होगा। उसको तो मालूम ही नहीं है 4 साल टिकेगी कि नहीं टिकेगी, उसको ये पता है कि 1 लाख जमा करा देंगे तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये हमको मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए उसने 50 लाख लगवा दिया, उसका तो काम हो गया बढ़िया, 12-15 लाख रुपये उसने कमा लिया, फटाक से नई गाड़ी आ गई, गाड़ी बन गई सब कुछ, उसके बाद कंपनी भाग गई, जाइएगा तो मुंह बनाए बैठा रहेगा। और ऐसे केस में दोस्तों मैं जानता हूँ 90% लोगों को पैसा नहीं मिला, जो कि बहुत दबंग या बहुत ही जिनका कहिए गए सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, उनको थोड़ा बहुत मिला हो तो मिला हो, बाकी आम इंसान जैसे हमारे आप तरह इंसान जिनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई भी फ़ोन देकर कभी भी गाली दे सकता है, कोई भी कहीं पकड़ के मार सकता है, तो ऐसे लोगों जैसे हम जैसे आप जैसे लोग हैं तो हम लोगों को ये अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। हमें उन्हीं कंपनियों में जाना है जो कंपनी गवर्नमेंट से अफिलेट है, ऐसी कंपनियों में हम जाएंगे तो हमारा पैसा भले उतना तेज़ ना बढ़े, भले डाउन रहे, भले मेच्योरिटी पे हमसे जो कहा गया उससे कुछ कम मिले, लेकिन हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ये ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको और भी किसी चाइल्ड प्लान में बताऊंगा। चाइल्ड प्लान के बारे में आप जानिएगा, खुद आप सोचेंगे कितना अच्छा प्लान किया है कंपनी। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।